डाउनलोड। उन्होंने असेंबली से पास करा करके इस प्रस्ताव को इस सदन में लाने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ने ऐसा नहीं कहा है, थोड़ा उनकी समझने में गड़बड़ हो गई है। मैंने ऐसा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब अस्तित्व नहीं है और राष्ट्रपति महोदय एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लेके आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं स्पीकर सर, मान्य सदस्य उस समय नहीं होंगे। स्पीकर सर, मैं यही चाहता था, स्पीकर सर मैं ये चाहता था एक बात और आ जाए। भी बोल रहे हैं रिकॉर्ड में भी, आप चाहें तो मैं स्पीकर साहब सहमत हूँ जो आपने कहा, लेकिन ये बात मैं एक बार दोबारा सुनना चाहता था। और मैं इसलिए कि मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आप मेरे को किस्सा नहीं सुनाने देंगे। स्पीकर सर दो दिन पहले उस प्रदेश के गवर्नर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और 48 घंटे के बाद क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। उन बातों को मैं दोबारा ये कहूं कि जो हमारी माइंड ने कहा कि सड़कों पे क्या है, जिस प्रदेश के लिए फैसला लिया गया है वो प्रदेश में खुशी है कि नहीं है, उस हिस्से में खुशी है कि नहीं है, वहां की जनता दुखी है या खुश है, कम से कम मैं जान लूं। और फिर स्पीकर सर मैं वो किस्सा बताता हूं। ये बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहां, बड़े बड़े मंत्री महामंत्री सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हां यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैगन ऐसा कभी बनी नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है, क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि भी समझाओ आकर बीरबल, जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो। तो बीरबल झुक करके कहा, बादशाह मैं कोई बैगन की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूं। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूंगा। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात, अगर स्पीकर सर, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। हमारे साथ में जिसने मुझे कमांड किया मिलिट्री स्कूल में, वो दो बार का एडीसी था यहां पे राष्ट्रपति भवन में, मेजर गोपिंदर सिंह राठौर। स्पीकर सर, नहीं सर, ओके, आई एम नॉट हील्डिंग हिम। स्पीकर सर, आप बोलते जाओ। ये स्पीकर सर मैं कहना चाहता हूँ, वो यहाँ से गया अपनी नौकरी छोड़कर। आई एम नॉट हील्डिंग। मेजर गोपिंदर सिंह राठौर यहाँ से नौकरी छोड़ के गए और वो शहीद हुए, वो आतंकवादियों के सामने शहीद हो गए। मैं जिस मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे फौज के लोग न जाने कितने शहीद हुए हैं।
और अगर फौज के लोग बैठे हों या अगर कोई यहाँ फौज के बारे में समझता हो तो मेरे स्कूल के पढ़े हुए न जाने कितने नौजवान शहीद हुए हैं वहां पर, जो दो बार राष्ट्रपति जी के साथ एडीसी रहा हो वो शहीद हो गया वहां पर। क्या हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं, स्पीकर सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है? ये सरकार बताए और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं हम भी। और केवल कश्मीर पे कहना खुशी मनना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी हमें, सिक्किम वाली कब मिलेगी, मिजोरम वाली कब मिलेगी? और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, धोखा दिया है, दबाव बनाया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब, आपने कहा भरोसा दिलाएंगे। अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए आप, अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दीजिए। आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा, कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल निकाल दिए, कार्रवाई से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन बल का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? बल का उपयोग कौन नहीं जानता कि क्या फोर्स भेजी है वहां? आप गलियों की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर कश्मीर स्वर्ग है तो हम भी तो स्वर्ग को देख लें, जब उसके लिए इतना बड़ा फैसला हम सब बैठ के ले रहे हैं। हसनैन मसूदी जी, जनाब आप पक्ष में खिलाफ में ये बता दें स्पीकर महोदय, कोई बिल पे बता ही नहीं रहा। मुझसे ये कहा गया कि विकास होगा वहाँ पर कश्मीर में, मुझे खुशी इस बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ एक ही काम के लिए राष्ट्रपति आए उत्तर प्रदेश में, एक ही काम के लिए प्रधानमंत्री आए, एक ही काम के लिए आपको बुलाया गया, बताओ वो काम किसका था जो आप शिलान्यास कर करके आए थे? तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते आप, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गवर्नर सब दिए हैं, तो जब उत्तर प्रदेश के साथ ये धोखा हो सकता है तो कश्मीर का विकास कैसे होगा? धन्यवाद जनाब। स्पीकर साहब मैं खड़ा हूँ इस बिल के विरोध में, इसकी मुखालफत में। जनाब स्पीकर साहब आज जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान